ऑल राइट। ओ ये क्या है? अबे डेल बॉक्स। ब्रो क्या यहाँ पर लिटरली डेल बॉक्स है? व्हाट? ब्रो भाई हम लोग देख रहे हो भाई लिटरली 70 लेवल का 70 लेवल का लेजेंडरी चारिज़ॉर्ड है यहाँ पर। ये अटैक तो गाइस बहुत बेकार है गाइस, ये अटैक लिटरली बहुत बेकार है। मेरी हेल्थ से देखो गाइस एक बार अपनी हेल्थ। ओ भाई चारिज़ॉर्ड को मैं क्या देख रहा हूँ ब्रो, लिटरली आग लग चुकी है चारिज़ॉर्ड को। फाइनली मार्वल के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है एंड ये अपडेट आज तक का सबसे बड़ा अपडेट है क्योंकि रियल पोकेमॉन्स को मार्वल के अंदर डाल दिया है। फाइनली सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स जो रियल पोकेमॉन में अवेलेबल हैं जैसे कि पिकाचू, चारिज़ॉर्ड, बहुत बड़े बड़े गैरेडॉक्स वगैरह सारे के सारे पोकेमॉन अब मार्वल के अंदर भी आ चुके हैं और ये चीज गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने वाली है। एंड ऑल्सो हम लोगों ने यस्टरडे सुपरमार्केट सिम्युलेटर डाला है तो जरूर उसको भी चेकआउट करना। एंड मेरा नया हेयर कट कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो, लेट्स गो। ऑलराइट व्हाटएवर, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू पार्वल वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में भाई हम लोग जाने वाले हैं पूरे पार्वल नहीं पोकेमोन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यहां पर जस्ट मैंने देखा भाई अनुबिस के स्टैचू को तो गॉड मानते ही हैं बट यहाँ पर जो अनुबिस का स्टैचू था भाई वो भी चेंज हो गया, लुकारियो हो चुका है अब ब्रो। ब्रो मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई यहाँ पर ये स्टैचू चेंज हो सकता है यार, खत्म यार, इतनी गलत चीज हो रही है यार बेचारे अनुबिस के साथ, बट गाइस अब क्या कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस तो हम लोग आज जाने वाले हैं नए एडवेंचर पे जहां पर हमें इस नए पाल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे पोकेमॉन देखने मिलेंगे। एंड बात करते ही भाई हमारे सामने है भाई ये कौन सा पोकेमॉन है यार, भाई भाई ये तो कितना ज्यादा सुंदर है यार, इसके कौन मार रहा है बे मुझे बे गेल क्लो तेरी तो, चलो घर पे चलो, घर पे चलो भाई। हाँ ज्यादा मगजमारी नहीं करने का है ना, अभी नए पोकेमॉन को देखो भाई, इसकी आंखें देखो भाई, दिस इज मोर लाइक अ इवोल्यूशन ऑफ यूनिबोल्ट। हाँ यार मैं तो भूल ही गया, लिटरली ये यूनिबोल्ट सा दिख रहा है बट ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल लग रहा है देखने में। एंड ये हल्का सा आइस के साथ भी इसको ब्रीड करा गया लग रहा है मुझे, बट भाई फिलहाल देखो भाई यहाँ पर तो अरे तेरी सिंडिकेट थक को तो बहुत ही ज्यादा मार पड़ रही है भाई, लुक एट दिस भाई, अरे तेरी हमको भी लग गई भाई, हमें भी लग गई, तो थोड़ी हेल्प कर देते हैं इनकी, सारे के सारे मर चुके हैं। बट गाइस एक काम करते हैं, रुको मैं तो चाहता हूँ ये वाला जो यूनिटैश है ना जो ऑलरेडी बहुत मार खाया हुआ है इसको पकड़े, पीछे से बैक बोनस से पकड़ लिया भाई, पोकी बॉल का एनिमेशन भी चेंज हो गया अब तो। गाइस क्या हमारा पहला पोकी बॉल आने वाला है इस गेम का, लेट्स गो भाई, ज़ेब स्ट्रिका नया पोकी बॉल आ चुका है हमारे पास, ज़ेब स्ट्रिका लुक एट हिम। ओ भाई इससे फाइट कर रहा है ऑलरेडी, अभी ये अपने भाई से ही फाइट कर रहा है यार, ओ तेरी भाई क्या अटैक्स है भाई, इलेक्ट्रिक अटैक्स के। ओ ये कौन सा पोकेमॉन है भाई, ये क्या पोकेमॉन है यार, रो फायर टाइप पोकेमॉन है ये तो, केमरप्ट क्या होता है भाई, अरे तेरी भाई तो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं भाई, ये कौन से पोकेमॉन आ चुके हैं गेम के अंदर भाई, इसके तो लिटरली बैक के ऊपर वोल्केनो बना हुआ है। नहीं भाई इसके पास तो नहीं जाना चाहिए भाई, मुझे लग रहा है इसके पास तो मर जाएंगे भाई। वहां पर हमारा ज़ेबस्ट्रिका को देखो भाई, इसको पकड़ने वाला है, ओ भाई एक को मार दिया है गाइस, अब हमारा यूनिवर्स शायद इसको मारेगा भाई, ये देखो 12 लेवल का है, अबे ब्रो देखो कितना सारा पावरफुल है ये वाला, इसको पकड़ दे रुको ये मर जाएगा, ओ नाइस एंड मोमेंट में पकड़ा, लुक एट हिज हेल्थ गाइस भाई, केम रफ ये क्या नाम है, अबे तुम लोग हटो यार यहाँ, चलो हटो, अरे तेरी भाई पहला भाई इतने जल्दी दूसरा पोकी, ओ इसको मार दिया भाई, छोड़ो भाई इधर सारे के सारे पोकेमॉन यहाँ, भाई हमारे सारे के सारे पोकेमॉन यहाँ पर फाइट कर रहे थे बट फाइनली गाइस अब हमें केमरप्ट मिल चुका है भाई, ये कैसा पोकेमॉन है, किप्स द राइडर वार्म इन कोल्ड एनवायरनमेंट, ओ इसकी भाई नहीं भाई मैं वोल्केनो पे तो अपनी तशरीफ नहीं डालने वाला हूँ भाई, यहाँ पर अगर बैठूंगा ना पिछवाड़ा जम हो जाएगा मेरा भाई, जल जाएगा। ओ ये देखो अरे अभी ये क्या है ट्रिको भाई, ये नए पोकेमॉन्स यहाँ पर कितने सारे हैं यार, और नाइस गाइस ये फायर टाइप और ये ग्रास टाइप है, बहुत पावरफुल होता है गाइस फायर टाइप ग्रास टाइप के सामने, ओ तेरी इसको पकड़ने भाई ऑलमोस्ट मरने वाला भाई, हम लोगों ने पकड़ लिया एंड मोमेंट पे, ब्रो ट्रिक को भी पकड़ लिया हम लोगों ने गाइस, क्या ये वही पोकेमॉन है जो मैं सोच रहा हूँ भाई, ये बड़ा होके बहुत पावरफुल बनता है यार,
भाई ये भी एश के पास था ये पोकेमॉन। भाई यार लेट्स गो भाई, चलते हैं अपने फ्रोस्टालियन पे, ओजी फ्रोस्टालियन पे। यार मैं ऑनेस्टली ना नए नए पोकेमॉन्स, नए नए मैप, नए नए एक्सप्लोरेशन के बीच में गाइस मैं अपने पुराने पोकेमॉन को नहीं भूलना चाहता हूँ, क्योंकि इनके लिए मैंने बहुत मेहनत करी हुई है। बट फिलहाल अब चलते हैं गाइस कोई नए बड़े पोकेमॉन को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये सब छोटू मोटू पोकेमॉन है गाइस, इतनी पावरफुल पोकेमॉन चाहिए गाइस मुझे। यार मैं तो कहता हूँ ना गाइस यहाँ पर बहुत एक्सप्लोरेशन हो गया, मैं चाहता हूँ वो यहाँ पर देखो एक और है वो ज़ेब्रा स्ट्रिका। ओ ये कौन सा पोकेमॉन है नीचे? अच्छा सिंडिकेट ठग है भाई, मुझे लगा कोई दो पैरों पे चलने वाला कौन सा पोकेमॉन है यार ये। ओ ये क्या फाइट हो रही है? ओ भाई ये सिंडिकेट ठग को देखकर लिटरली मुझे लगा भाई ये इतना बड़ा कौन सा पोकेमॉन है यार। खैर गाइस अभी यहाँ पर देखो और भी नए नए पोकेमॉन है यार, ये देखो केमुरपीटी कुछ तो नाम है भाई। यहाँ पर देखो भाई ये नया नया इन्होंने पूरा पॉइंट वगैरह डाला है भाई, नहा लेते रुको भाई, यहाँ पर नहाना जरूरी है, बहुत टाइम से नहाया भी नहीं हूँ, मेरे सर पे सींग लगे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ अभी हमने ठंडे पानी से तो नहा लिया है, अभी हमें जाना चाहिए सीधा ये लावा के तरफ, जहाँ पर हो सकता है हमें बहुत ही बड़े बड़े नए नए लावा ड्रैगन टाइप पोकेमॉन मिले। भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस लावा पोकेमॉन देखने के लिए, एंड स्पेशली जो लावा टाइप का एरिया होता है ना गाइस, यहाँ पर ड्रैगन और वो भी आग छोड़ने वाले ड्रैगन रहते हैं। हमारे फ्रोस्टालैंड की यहाँ पर एचपी खत्म हो गई है, अबे फ्रोस्टालैंड की एचपी कैसे खत्म हो गई यार? फ्रोस्टालैंड को ऊपर डालना पड़ेगा मुझे कहीं पे स्टैमिना फुल करने के लिए उसका। हाँ स्टैमिना फुल कर लिया ना, बहुत बढ़िया, अब मेरे पास आ जाए इधर नीचे। अबे यार इसके पास स्टैमिना खत्म हो गया यार, ये रुको इधर आना पड़ेगा। ऑल राइट ओ ये क्या है? अबे डेल फॉक्स ब्रो क्या यहाँ पर लिटरली डेल फॉक्स है? थोड़ा बाहर लाने दो भाई, ये पानी में नहीं, इसको बाहर तो नहीं लाना चाहिए भाई, ये पानी में अच्छा है भाई, पानी से बाहर आ गया ना तो बहुत मारेगा ये भाई। ये देखो लिटरली भाई क्या अटैक है ये सारे भाई, एक फायर, अरे दोनों के दोनों मुझे मार रहे हैं, नहीं 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 गड़बड़ हो जाएगी, एक को तो पकड़ ही सकते हैं हम लोग, बहुत लो है ये वाला भाई, लिटरली 88% चांसेस है गाइस इसको पकड़ने के। नाइस गाइस लेट्स गो गाइस, पहला डेल्फॉक्स हम लोग ने पकड़ लिया ब्रो, लेट्स गो भाई। रुको इस डेल्फॉक्स को है ना गाइस फाइट करवाते हैं इस वाले के साथ, चल भाई डेल्फॉक्स वर्सेस डेल्फॉक्स होने वाला है अब गाइस, 33 लेवल का डेल्फॉक्स वर्सेस 32 लेवल का डेल्फॉक्स। भाई ये देखो इसको तो भगा भगा के मार रहा है भाई हमारा डेल्फॉक्स, लेट्स गो। चल 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 चल, लर्निंग पावर शॉट भाई, अलग अलग चीजें भी सीख रहा है ये, इसको तो मुझे हेल्प करनी लग रहा है, थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। ये अपना ये वाला है, सॉरी भूल गया मैं, मर गया भाई। ऑलराइट जैसा कि मैंने कहा था गाइस, जैसे हम लोग ये लावा वाले एरिया में आएंगे हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फायर टाइप पोकेमॉन मिलेंगे। बट गाइस मुझे ऑनेस्टली ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर भाई कोई तो बड़ा पोकेमॉन होना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग ने बहुत सारे छोटे छोटे पोकेमॉन तो देख लिए गाइस। यहाँ पर देखो ये ब्रदर्स ऑफ इटरनल पायरिन है, इनको तो भाई मैं एक एक गोली में मारता हूँ भाई। चलो भाई एक टाइम हुआ करता था भाई जब ये लोग मुझे बहुत परेशान करते थे। ओ नाइस हमें यहाँ पर भाई रैपिड डैश भी मिल चुका है, लेट्स गो भाई। भाई रैपिड डैश के अटैक्स देखते हैं, रुको। इसके तो पैर पे मारता हूँ, रुको मरना मत, बढ़िया भाई। चलो भाई यार चलो भाई इसको पकड़ते अभी गाइस, हमारे पहले नए फायर टाइप पोकेमॉन एक और बार पकड़ने वाले हम लोग भाई। यहाँ पर ऑल डेयर फॉक्स आ रहे हैं भाई, भागो भाई इनके आने से पहले भागो भाई। स्विफ्ट और बर्ली बॉडी, नाइस लेट्स गो भाई, बहुत अच्छा वेरिएंट मिला है भाई। एक बार सोचो हम ये सारे के सारे नए पोकेमॉन्स को अपने ओजी पोकेमॉन्स का जब ब्रीड करेंगे तब क्या होने वाला है, कैसे टाइप के पोकेमॉन्स आने वाले हैं भाई, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। और कौन से व्हाट ब्रो भाई हम लोग देख रहे हो भाई, लिटरली 70 लेवल का 70 लेवल का लेजेंडरी चारिज़ॉर्ड है यहाँ पर भाई, लिटरली हमें ही देख रहा है भाई। ये देखो भाई ये कुछ इसके आसपास डेल्फॉक्स भी नहीं जाना चाहता यार भाई। नहीं 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 यार ये फ्लेमेबल वगैरह भी यहाँ पर, रुको इनको हटाना है तो भाई तुम लोग मरो, तुम लोग दिक्कत दे दोगे भाई, हटो बाजू में हटो भाई। लिटरली हमारी आंखों के सामने चारिज़ॉर्ड खड़ा है, पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है ये, मतलब पहली जनरेशन का सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है भाई। लिटरली मैं ये 40,000 वाला एपिसोड देखकर मैं रोया था जब मैं छोटा था। एश कैचम इसको पहाड़ों में छोड़ के चला गया था, ऐसे ही पहाड़ों में छोड़ के गया था लिटरली ऑल ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि ये बात ही नहीं मानता था यार 40,000 एश कैचम की। भाई थैंक यू सो मच पालवल यार इतने सारे ओरिजिनल पोकेमॉन्स ऐड करने के लिए। भाई एक काम करते हैं इसको बैक अपने बैक बोनस से इसको देखो गाइस, 0.1% चांस है गाइस इसको पकड़ने के सिर्फ। आ जाओ ट्राई करते हैं 3 2 1
अगर आ गया ना भाई आई विल बी द लकीएस्ट। नहीं आया नहीं आया नहीं आया। भागो भागो भागो, मारने वाला है अब, ये मारने वाला है भाई। एक तो मैं पता नहीं कौन से पोकेमोन लेकर आ गया हूँ। अरे भाई नहीं, अभी व्हाट, मेरा चैंपा मर गया भाई, एक ही बार में मेरा चैंपा मर गया। ये क्या अटैक है ब्रो, चार झाड़ के पास। अरे तेरी भाई, अरे मेरी व्हाट भाई, ट्रैको भी मर गया यार। डेल्फॉक्स तू जा, डेल्फॉक्स तू मार। ओ भाई लिटरली एक एक मार रहा है यार, ये डेल्फॉक्स नहीं हो पाएगा यार। फायर वर्सेस फायर तो बहुत यार, बहुत यार लेस होगा यार। मेरे को लग रहा है एक अटैक में हमारी मर जाएगी डेल्फॉक्स यार, प्लीज भाई। हम भी सिर्फ 40 डैमेज, 10-10 ही मार पा रहे हैं हम। नहीं भाई नहीं हो पाएगा भाई, मारना पड़ेगा गाइस, इसको मारना ही पड़ेगा गाइस। हमारा जटरा ड्रैगन वगैरह लेकर आना पड़ेगा मुझे लग रहा है इसके लिए तो। चल भाई डेल्फॉक्स मार भाई, लिटरली हम इतना मार रहे हैं तब जाकर उसको लग रही है यार। और ऊपर से गाइस देखो कित भाई, बट लुक एट हिम भाई, मेरा फेवरेट पोकेमोन होने वाला है गाइस ये भाई। इसके मुंह से लिटरली, अरे मां कसम भाई, नहीं यार ये अटैक नहीं, ये वाला ड्रैगन अटैक नहीं। अरे मैं मर गया, मैं मर गया भाई। नहीं 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 नहीं, अरे मैं लावा में गिर जाऊंगा, लावा में गिर जाऊंगा भाई। हर जगह पर लिटरली भाई ये डेल्फॉक्स यहाँ पर सारे भाग गए डर के भाई। मेरी मेरी वाली डेल्फॉक्स बाय द वे अभी भी बची हुई है, विच इज वेरी गुड। और मुझे आग लग चुकी है यार, मारना पड़ेगा भाई। मेरे पास इसके बाद सिर्फ फ्रॉस्टालियन है 55 लेवल का, बट क्या फ्रॉस्टालियन वर्सेस चारिजार्ड हो पाएगा, क्योंकि चारिजार्ड एक फायर टाइप पोकेमोन है और फायर टाइप पोकेमोन आइस टाइप के सामने बहुत पावरफुल होते हैं। और भाई मेरे ओ, अभी बाकी है ना जेपस्ट्रिक का बाकी है गाइस, वेट 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 डोंट वरी भाई। लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं चारिजार्ड से फाइट कर रहा हूं भाई, चारिजार्ड से। ओ भाई नहीं 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 भाई, डेल्फॉक्स बच के, डेल्फॉक्स बच के भाई प्लीज भाई। डेल्फॉक्स लिटरली नसीब उड़ती है भाई, वरना अभी नहीं नहीं फाइट करने वाला है। ओ भाई नहीं भाई, अटका दिया भाई डेल्फॉक्स से, फायर टाइप अटैक बहुत अच्छे तरीके से सह रहा है यार। लेट्स गो डेल्फॉक्स, लेट्स गो। अरे नहीं 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 नहीं, अरे मर गई मेरी डेल्फॉक्स, मर गई, मैं भी मर गया, मैं भी मर गया, मैं भी मर गया भाई। जेलस्ट्रिका भाई लेट्स गो, तू ही मार सकता है इसको अब भाई। मेरे सारे के सारे नए पोकेमोन मर रहे हैं इसके सामने गाइस। प्रोस्टालियन इज माय लास्ट उम्मीद गाइस, लास्ट उम्मीद है प्रोस्टालियन मेरी। अभी तक गाइस मेरे चारों के चारों नए पोकेमोन मिलकर इसका बाल तक बाका नहीं कर पाए यार। भाई मेरे को लगता है प्रोस्टालियन को ही जाना पड़ेगा गाइस। प्रोस्टालियन को मैं सेव कर रहा था कि भाई नए पोकेमोन को दिखा देते हैं एक बार भाई, बट नए पोकेमोन इतने पावरफुल तो नहीं लग रहे हैं भाई। भाई जेपस्ट्रिका को देखो भाई, ये जो मार खा रहा है ना, अरे रे भाई नहीं हो पाया गाइस। अरे यार ये अटैक नहीं, ये अटैक नहीं, ये अटैक नहीं। अरे 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 भाई मेरे इर्द गिर्द हर जगह पर इसने फायर टॉर्नेडो डाल दिए। लो अभी जेपस्ट्रिका मर गया भाई। चलो फ्रॉस्टालियन लेट्स गो भाई, तू ही कर सकता है अभी ये। चल लेट्स गो, फ्रॉस्टालियन भाग रहा है भाई, अटक गया यार फ्रॉस्टालियन। इसको तोड़ो भाई, ये पत्थर तोड़ो फटाफट, ये पत्थर तोड़ रहा हूं मैं गाइस, रुको। अबे नहीं नहीं नहीं, मेरी एचपी बहुत कम है, डॉज कर लिया भाई, नसीब मैंने डॉज कर लिया। लेट्स गो फ्रॉस्टालियन, लेट्स गो भाई। फ्रॉस्टालियन को आग लग चुकी है यार, और ये 55 लेवल का ही है यार ये फ्रॉस्टालियन। तो गाइस असॉल्ट राइफल चलाते हैं भाई। लिटरली गाइस फ्रॉस्टालियन के इतने पावरफुल होने के बाद भी गाइस कुछ भी नहीं हो रहा है यार। ओ नहीं फ्रॉस्टालियन, ये आइस, ये फायर अटैक से बच जाना प्लीज। ओ नहीं भाई, फ्रॉस्टालियन को लिटरली सारी क्रिटिकल हिट लग रही है। ओ भाई भाई, यूजुअली लोग बर्फ बन जाते हैं भाई। नहीं बच गया, बन गया, बन गया। अब मारो भाई, अब मारो जितना मार सकते। अरे यार मैंने इसका बर्फ तोड़ दिया यार, शिट। अरे इसके बीच में रहना पड़ेगा भाई मुझे भाई, नसीब हमारा। अरे फ्रॉस्टालियन मारने दे यार भाई, 70 लेवल का चार्जर, अभी भी हम इसका बाल वाका नहीं कर पाए भाई। एक तो आइस भी नहीं बन रहा है भाई, इसके अंदर इतनी गर्मी है। अरे नहीं यार ये अटैक तो गाइस बहुत बेकार है गाइस, ये अटैक लिटरली बहुत बेकार है। मेरी हेल्थ देखो गाइस एक बार, अपनी हेल्थ। भाई मुझे लग रहा है मुझे लुकारियो वगैरह को लेकर आना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये भाई पता नहीं क्या हो रहा है भाई। मेरे सारे के सारे नए पोकेमोन्स कैसे मर सकते हैं भाई, लुक एट दिस भाई। डेल्फॉक्स मेरा इनकैपेसिटेटेड, ट्रिको मेरा इनकैपेसिटेटेड, कैमरा इनकैपेसिटेटेड, जेपस्ट्रिका भी इनकैपेसिटेटेड। मैं सिर्फ एक फ्रॉस्टालियन लेकर गया था गाइस, रुको मेरा गेल क्लॉ भी मुझे लेकर जाना पड़ेगा। ऑलराइट बॉयज, हम लोग फिर से आ चुके हैं, और इस बार गाइस मैं अपने बेस्ट पोकेमोन को लेकर आ चुका हूं सारे के सारे। लुकारियो आप लोग को तो पता ही गाइस कितना पावरफुल है, उसके अलावा गाइस मैं अपने सैलीन को भी लेकर आ चुका हूं। ये एक टावर बॉस पोकेमोन है जो कि पूरा लिटरली एक एलियन पोकेमोन है। गेल क्लॉ आपको पता है गाइस कितना पावरफुल है यहां से वहां उड़ने के लिए। रैपिड एश हम लोग ने जस्ट पकड़ाई हुई है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं इसके पास अटैक से। देखो
गाइस कौन से है गाइस, इग्निस ब्लास्ट वगैरह भी है। बट गाइस लुकारियो बहुत पावरफुल, और यार अभी भी देखो गाइस यहाँ पर लिटरली चारिज़ार्ड पूरा का पूरा डटा हुआ है ब्रो, इसको कोई मार नहीं पाएगा अभी तक इतने टाइम में। ओ नाइस गाइस 6800 एचपी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गाइस। अब एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो गाइस एक काम करते हैं रैपिड डैश को डालते हैं। चल भाई रैपिड डैश मार इसको, लेट्स गो भाई, फाइट छिड़ चुकी है वापस, लेट्स गो भाई इसको आग। भाई ऑब्वियसली गाइस सारे पोकेमॉन्स को मैं ना आग लगाने का ट्राई करता हूँ, बट भाई मेरे सामने भाई रैपिड डैश मर जाएगी भाई, मत मर। वो इसके ऊपर खड़े रहता हूँ ना मैं, अरे यार इसके ऊपर खड़े रहने पर भी लग रही है यार, व्हाट द हेल। नहीं 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 मेरे को मत मार भाई, ये देखो कुछ हो जाए, हटा इधर साले भाई। चलो भाई लुकारियो भी फाइनली जाने वाला है। ओ तेरी भाई पड़ रही है भाई, लुकारियो से तो बहुत हैवी लग रही है। यूजुअली है ना मैं पोकेमॉन्स को है ना आग लगाने का ट्राई करता हूँ, सो दैट वो धीरे धीरे उनकी एचपी कम होती रहे, बट भाई अभी तो मैं भूल चुका हूँ मेरे सामने लिटरली गाइस सबसे ज्यादा पावरफुल फायर टाइप पोकेमॉन है अभी। भाई लिटरली चारिज़ार्ड के पेट के अंदर इतनी ज्यादा आग है कि भाई ये कभी मिटती ही नहीं है। इनफैक्ट इसकी पूछ में जो आग अभी फिलहाल आज नहीं जल रही है भाई, पता नहीं यार पोकेमॉन में तो इसकी आग जलती रहती है, इसकी पूछ वाली, इसकी तो पूछ में आग ही नहीं है आज। ओ भाई ये देखो हवा में अटैक कर रहा है भाई ये सारे के सारे ब्रो। अबे तू वैनियम तू कहाँ मार रहा है भाई, मेरा चारिज़ार्ड है, सिर्फ मेरा लुकारियो ही फाइट करेगा इसके साथ। भाई लुकारियो तो ठीक है अभी, चलो थोड़ा साइलिन को भी ट्राई करते हैं भाई। अरे नहीं यार ये अटैक नहीं भाई, ये अटैक बहुत मारता है, ऊपर ऊपर चढ़ना पड़ेगा साइलिन भाई। चल लेट्स गो साइलिन यू कैन डू दिस भाई। साइलिन एक बार के लिए भाई, पहली बार मैंने देखा भाई कोई पोकेमॉन गाइस चारिज़ार्ड को उड़ा रहा है भाई। सैलीन को देखो यार ब्रो, लुक एट हर भाई सैलीन, लेट्स गो यू कैन डू दिस सैलीन यू कैन डू दिस गाइस। यार चारिज़ार्ड लिटरली एक बहुत पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है भाई, इसको तो मुझे मारना ही पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी। सैलीन इधर आ हम दोनों बैठ के मारते हैं इसको, रुक जा एक फायर बॉल मारते हैं गाइस, आ जाओ। फायर पोकेमॉन के सामने फायर बॉल मार रहा हूँ भाई, लिटरली 75 अटैक दे रहा है यार, मेरे को भी आग लग गई है, इसको भी आग लग गई है, भगवान। ओ भाई चारिज़ार्ड को मैं क्या देख रहा हूँ ब्रो, लिटरली आग लग चुकी है चारिज़ार्ड को भाई, लेट्स गो। ओ भाई फायर बॉल, भाई मैं बता रहा हूँ गाइस चाहे कोई भी पोकेमॉन हो भाई, बट ये फायर बॉल है ना भाई, ये फायर बॉल भाई कोई भी पोकेमॉन हो आग लगा ही देता है भाई हमारी भाई। इनफैक्ट अगर चारिज़ार्ड भी गाइस अगर कोई भी अटैक करेगा, अरे रे 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 भागना पड़ेगा दूर। इनफैक्ट चारिज़ार्ड भी हमारी साइलेंट को आग लगा रहा है यार, मारते हैं गाइस थोड़ा मारते हैं इसको, रुको रुको भाई आसपास देखना पड़ेगा भाई कहीं अटैक ना जाए हम लोग। रुको गाइस एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए फ्रॉस्टालियन को डालते हैं और साइलेंट को थोड़ा सा आराम देते हैं भाई, लेट्स गो फ्रॉस्टालियन। ओ तेरी फ्रॉस्टालियन का अटैक गाइस अभी पावरफुल हो चुका है भाई, ये तो बदला लेना है भाई। ओ तेरी, अरे नहीं 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 अटक गया मैं बच गया। अच्छा थोड़ा मार सकते हैं हम लोग, ऐसे काम करते हैं रॉकेट लॉन्चर मारता हूँ, मेरे पास सिर्फ 6 एमओ है, ये रॉकेट लॉन्चर कितना पावरफुल है मुझे कुछ आइडिया नहीं, बट लेट्स गो 3 2 1 गो भाई। 190 मार रहा है भाई ये लिटरली ब्रो, 4000 का डैमेज दिया है भाई किसी ने तो, भाई यही मारना पड़ेगा भाई, इससे भी कुछ डैमेज नहीं हो रहा यार, क्या हो रहा है यार, ये कितना पावरफुल है भाई, 0% कैप्चर रेट है अभी भी ब्रो, व्हाट नहीं इसको पकड़ ही नहीं सकते क्या हम लोग गाइस, 70 लेवल का ही है। अबे तू कहां से आ गया भाई, आग लग गई है, लेट्स गो भाई, कौन मार रहा है यार मुझे, यूनिट डैश मत मार, आई मीन रैपिड डैश भाई। फ्रॉस्टालियन को भी हमने इवॉल्व करा है, वो यूनिट डैश बन चुका है बाय द वे, मैं भूल ही गया था गाइस। चल चारिज़ार्ड लेट्स गो प्लीज आजा यार, ये मेरे फ्रॉस्टालियन को फंसा के रखा इसने यार, रुको अब मारेगा, हाँ अब मार भाई, ये देखो भाई लिटरली 2000 एचपी आ चुके हैं गाइस फाइनली हम लोग फ्रॉस्टा। ओ नाइस 0.1% चांस है अभी भाई, लिटरली गाइस 1000 एचपी कम करने के बावजूद नहीं मार पा रहे हम लोग इसको, व्हाट इज दिस। चलो भाई लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो फ्रॉस्टालियन लेट्स गो मेरे भाई, अबे तू कहां मार रहा है फ्रॉस्टालियन भाई, मरना नहीं है भाई, नसीब ये पत्थर दिया हुआ है ये पत्थर पे, अरे भाई 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 फ्रॉस्टालियन थोड़ा इधर आ भाई, फ्रॉस्टालियन को भी बहुत पड़ रही है गाइस, रुको रुको अब वापस सैलिन को डालना पड़ेगा, सैलिन तेरा फायरबॉल, नहीं 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 कहाँ गया ये भाई, ये कहाँ गया, वो यहाँ पर ही है गाइस, एक फायरबॉल मारते हैं गाइस, लेट्स गो प्लीज आग मत लगना यार, ये बहुत पावरफुल है यार ये फायरबॉल, लेट्स गो गाइस लेट्स गो, अभी कितना चांस है 0.1% चांस में, मैं कैसे पकड़ूंगा यार इसको भाई, अभी सारे पोकेमॉन को अंदर रखने दो मुझे, और मुझे खुद ही फाइट करनी पड़ेगी इससे अभी फिलहाल के लिए गाइस, 200 हेल्थ है इसकी गाइस, आ जाओ पकड़ते हैं यार, मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बोला गाइस चारिज़ार्ड कितना जिद्दी पोकेमॉन है गाइस, ये लिटरली इतना जिद्दी पोकेमॉन है ना
ये हवा में से मुझे मार रहा है यार, इसको लिटरली मेरे साथ आना नहीं है गाइस। 71 एचपी गाइस इसके, सिर्फ 71 एचपी है। नाइस, ये बात यही चाहिए था मुझे। अभी फाइट है ना कैंसिल हो चुकी है और इसकी हेल्थ अभी भी बहुत कम है। आप देखोगे ना एक बार, प्लीज हेल्थ फुल मत हो जाना, प्लीज हेल्थ फुल मत हो जाना, प्लीज हेल्थ फुल मत हो जाना। नाइस, अब देखो गाइस 2% चांस है। लेट्स गो, लेट्स ट्राई आवर लक, लेट्स गो। बैक बोनस से गाइस 2% चांस है। अभी नहीं पकड़ पाया यार, वापस 0.2% हो गए यार। भाई लिटरली मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये फाइट एंड ही नहीं कर रहा है भाई। 71 एचपी के साथ इसको मुझसे अभी भी फाइट करनी है यार। देखो 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 भाई, इतने ऊपर हवा में उड़ने के बाद भी वो मुझसे फाइट कर रहा है। नाइस 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 नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस यही चाहिए मुझे गाइस, यही चाहिए। जैसे कि ये म्यूजिक खत्म हो जाता ना, इसका मतलब है कि फाइट खत्म हो चुकी है हमारे बीच में। अब इसको हम लोग पकड़ सकते हैं यार। 0.2% चांस है, क्या है यार। नाइस, लेट्स गो। 2% चांस है गाइस, सिर्फ 1.97% चांस है यार। प्लीज आ जा भाई यार, क्या चाहिए यार इसको। 0. अबे नहीं 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 भाई, इसके ऊपर नॉर्मल फायरबॉल तो चल भी नहीं रहे हैं यार। व्हाट इज दिस ब्रो, भाई मैं लिटरली इसको पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ यार। 0.02% चांस, वो भी अल्टीमेट स्फीयर में। भाई क्या हो गया यार मेरे अल्टीमेट स्फीयर को, क्या हो गया है। वापिस ट्राई करेंगे जितनी देर, भले मुझे 1000 बार ट्राई करना पड़े, बट मैं चारिज़ार्ड को पकड़ कर ही रहूंगा भाई। अगर ये मर गया ना भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं रो के सोऊंगा आज रात को। ओके चलो गाइस, हो गया वापस, आवाज खत्म हो गया है। अब यहाँ से हम लोग वापस पोकीबॉल फेंकेंगे और अपना 2% लक ट्राई करेंगे इस बार, ठीक है। अबे यार 0.2 क्यों आ रहा है यार। लेट्स गो गाइस, 0.2% चांस, भगवान प्लीज। अबे यार ऑल राइट भाई, मैं लिटरली इतने टाइम से ट्राई कर जा रहा हूँ और हम लोग ने फाइनली गाइस चारिज़ार्ड को 32 HP पे ला चुका हूँ गाइस। अगर मैं इसको एक गोली पे और मारता हूँ ना गाइस, तो ये मर भी सकता है। बट गाइस मेरे को लगता है एक पैर पे गोली मारनी चाहिए इसको, शायद 10 HP जाएगी सिर्फ, है ना भाई। डर लग रहा है मुझे, 15 चली गई भाई, अभी तो नहीं मार सकता गाइस। 17% मैंने इतना डाउन लेकर आ चुका है भाई, एंड मैंने एक गलती और कर दी थी गाइस। मैं कब से इसके ऊपर लेजेंडरी बॉल मार रहा था यार, मुझे डालना था अल्टीमेट बॉल। आ जाओ गाइस, अल्टीमेट बॉल डालेंगे। अल्टीमेट बॉल में तो मेरे हिसाब से 100% कैप्चर रेट होगा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई। अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। इन 3 आ जाओ गाइस, अल्टीमेट स्पेयर मैंने सिलेक्ट कर लिया है फिलहाल। आ जाओ भाई, लेट्स गो भाई। ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा अल्टीमेट स्पेयर है गाइस, ये हमारा। लेट्स गो, और ये 100% चांस है, लो भाई। क्या फाइनली ब्रो, हम लोगों ने फाइनली 460 को पकड़ लिया इतनी मेहनत के बाद यार। भाई मैं लिटरली वेट ही नहीं कर सकता अपने बेस पे जाने के लिए। फटाफट भाई चलते हैं फटाफट फास्ट ट्रैवल पे और फटाफट बेस पे, मेरे को ये 460 लिटरली अपने हाथों में देखना है, कितना पावरफुल है ये ब्रो। लेट्स सी क्या होता है भाई। मैं लिटरली आप लोग भाई, ये देखो हमारा 460, वो भी 70 लेवल का है यार। भाई लिटरली आई कैन नॉट इमेजिन कि बाल वर्ल्ड ने लिटरली सारे के सारे नए पोकेमॉन्स डाल दिए हैं, वो भी ओरिजिनल वाले, लिटरली फ्रॉम द ओरिजिनल पोकेमॉन सीरीज। भाई मैं बता रहा हूँ गाइस, मुझे पाल वर्ल्ड खेलने में इससे ज्यादा मजा आज तक नहीं आया था, एंड मैं लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और भी नए नए पोकेमॉन्स को कैप्चर करने के लिए। एंड लुक एट दिस भाई, हमारा चारिज़ार्ड हमारे सामने है यार। रुको एक बार, इसको पेट करने दो यार मुझे भाई। लिटरली चारिज़ार्ड कितना खुश हो रहा है यार ये भाई। एक मिनट, इसको उठाना पड़ेगा, रुको मुझे उठाना है इसको, एक बार उठाना पड़ेगा मुझे, उठाना है ये बार भाई। इसका मुझे देखना है गाइस, इसका फायर पावर है क्या है इसके पास, देखना पड़ेगा मुझे, रुको। अबे चारिज़ार्ड देखो गाइस, यहाँ पर क्राफ्टिंग करने के लिए रेडी है भाई। रुको रुको, एक काम करते हैं इसको, है ना। ऑल राइट बॉयज, इसको अभी हम लोग ने गाइस अल्टीमेट स्फीयर बनाने के लिए दिया है भाई। ये नटखट तो है यार, ये देखो ये काम कर नहीं रहा है, ठीक है। अबे कहाँ भाग गया भाई ये, देखो भगोड़ा साले भगोड़े, ये इसको अभी भी काम नहीं कर रहा। देखो कितने बहाने बना रहे, देखो कितने बहाने बना रहा है। एनीवेज भाई यार, जैसा भी है यार मेरा है यार। रुको एक मिनट, इसको मेरे पास लेने दो मुझे भाई। आ जाओ, एक काम करते हैं गाइस, अभी है ना हम लोग यहाँ पर बहुत सारे अल्टीमेट स्पेयर यहाँ बनाने के लिए डाले हुए हैं। एक काम करते हैं, चारिज़ार्ड को यहाँ पर स्पॉन करते हैं, खुद रखा है हम लोग ने, अब देखते हैं काम कैसा करता है। ब्रो लुक एट हिम भाई, कैसे काम कर रहा है ये, ऐसे करता है ये, देखो ऐसे ऐसे कर रहा है और फिर ऐसे कर रहा है, ऐसे दोनों पोकेबॉल को पकड़ता है फिर से जोड़ता है। इट्स लाइक कि दोनों पोकेबॉल का साइड ले रहा है फिर से चिपका रहा है उसका, ऐसा लग रहा है भाई यार। ये कितना ज्यादा क्यूट है यार, इधर आ यार इधर आ भाई। लेट्स गो गाइस, क्या हम इस भाई, एक मिनट रुको, मेरे पास शायद इसका सैडल बनाने का भी कुछ तो तरीका है, मैं अभी बना के लाया, ठीक है एक मिनट रुको, होल्ड करो। कहाँ है मेरा सैडल बॉक्स, कहाँ है पाल सैडल, यहाँ पर होता है ना, हाँ ये रहा। चलो भाई फटाक से सैडल बना जाता हूँ मैं, 2 मिनट रुको। ऑलराइट बॉयज, हम लोगों ने सैडल बना लिया है भाई, इधर आ भाई।
ओ तेरे भाई कितना ज्यादा बड़ा है यार ये बैठ के देखने में, और हम लोग उड़ भी सकते हैं इसके अंदर। भाई जस्ट लुक एट हिम, हम लोग चारिज़ार्ड के ऊपर उड़ रहे हैं पहली बार इन माय एंटायर लाइफ। भाई मेरे बचपन का सपना है यार ये चारिज़ार्ड के ऊपर बैठ के उड़ना। ब्रो लुक एट दिस, भाई कितना जबरदस्त दिख रहा है यार, कितना शानदार दिख रहा है ये पोकेमोन यार। यार इनको है ना वो वाला अटैक भी डालना चाहिए था, पता है जहां पर ये पोकेमोन को ऐसा उठाता है पकड़ता है एकदम ऊपर जाता है, एकदम हवे में एकदम ऊपर ऊपर जाता है और फिर ना एकदम स्पीड में नीचे आता है और सीधा जमीन में टकरा के उसको मार देता है। यार ये वाला अटैक अगर पालवल ने डाल दिया ना भाई, मैं लिटरली हर रोज पूजा करूंगा पालवल की, भाई प्लीज डाल दो यार। तो गाइस अगर आप लोगों को मजा आया हो ये एपिसोड देखने में, चारिज़ार्ड को हम लोग ने पकड़ा है, जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर ऐसे और पावर वर्ल्ड के एपिसोड चाहिए तो मुझे जरूर बताना, एंड ऑल्सो चारिज़ार्ड को कौन से पोकेमोन के साथ ब्रीड करवाना चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस वॉज मी अल्फा योर वन एंड ओनली। एंड ऑल्सो यार पावर वर्ल्ड तो मैं डालते ही रहूंगा आप लोगों के लिए, बट कभी कभी क्या होता है ना, हर रोज अगर भिंडी की सब्जी खाएंगे हम लोग है ना, एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो मुझे गाइस कोई और गेम खेलने दो है ना, एक दिन तो पनीर मुझे खाने दो यार। मैं हर रोज भिंडी की सब्जी बना बना के थक चुका हूँ, खा खा के थक चुका हूँ है ना। एक दिन पनीर की सब्जी डालूंगा आप लोग के लिए सैटरडे को, तो जरूर देखना सैटरडे को, कोई भी एक अलग गेम का वीडियो आएगा, हॉरर गेम वगैरह भी आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो, आई जेन्युइनली एंजॉयड प्लेइंग पालवल टुडे, ऑनेस्टली इतने दिनों बाद मुझे खुद मजा आया आज खेलने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भाई देखो इतने सारे जुगनू उड़ने लगे हैं भाई, लिटरली चारिज़ार्ड के आसपास भाई, चलो मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, लाइक कर देना, लेट्स गो।